वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन मेरा नाम है अंकित जैन और मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्डिंग मटेरियल्स तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में यदि मैं इंडिया वाइड होने वाले एईजेई एग्जाम के बारे में बात करूं तो इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बिल्डिंग मटेरियल इसमें सिग्निफिकेंट नंबर में क्वेश्चंस आते हैं जिनको क्या इजीली सॉल्व किया जा सकता है तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं मैं सबसे पहले ए जेई कुछ एग्जाम्स के नाम लिखूंगा जिसके एक कॉमन सिलेबस को हम देखेंगे तो एग्जाम्स तो कुछ इम्पोर्टेंट फेमस एग्जाम्स हैं जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूं तो यहाँ पे हम कवर करेंगे ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम तो ऑल स्टेट्स ऑल स्टेट पी एस सी एग्जाम को कवर करेंगे जो मेनली क्या होता है ए पोस्ट के लिए होता है हम कवर करेंगे स्टेट स्टेट व्यापम एग्जाम को कवर करेंगे ठीक है स्टेट व्यापम एग्जाम को कवर करेंगे जो जनरली जेई पोस्ट के लिए होता है कुछ कुछ जगह ये एई पोस्ट के लिए भी होता है हम एस एस सी जेई एग्जाम को भी कवर करेंगे RRB, जो Railway Recruitment Board है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कराता है उसके लिए देखेंगे हम देखेंगे डीएमआरसी एग्जाम के लिए भी जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं बिल्डिंग मटेरियल्स को लेके और भी हो सकते हैं कई एग्जाम्स हो सकता है उनमें से एक आध यहां छूट गया हो तो मैं उनके बारे में भी कॉमनली बात करूंगा तो हम इसके कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनका क्या नेचर रहता है और ये कितने फ्रीक्वेंसी में होते हैं कितने नंबर्स में होते हैं तो हम इसको वन बाय वन एक करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखेंगे उसको तो टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो जनरली इन एग्जाम्स की बात करूं तो ये तीन तरीके से होते हैं एक होता फर्स्ट स्टेज या वन स्टेज एग्जाम जिसमें केवल रिटर्न होता है जनरली वो एमसीक्यूज के टर्म्स में होता है और रिटर्न क्लियर होने के बाद सिलेक्शन हो जाता है एक होता है टू स्टेज एग्जामिनेशन जिसमें रिटर्न होता है एमसीक्यूज होते हैं इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन हो जाता है एक और टाइप का एग्जाम होता है जिसमें तीन स्टेजेस में स्क्रीनिंग की जाती है फर्स्ट स्टेज में प्रीलिम्स होता है जिसमें एम पूछे जाते हैं सेकेंड स्टेज में सब्जेक्टिव वाइज होता है फिर उसके बाद इंटरव्यू फिर इंटरव्यू के बाद ओवरऑल सिलेक्शन होता है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे मेनली दो तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे दो तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फर्स्ट है एम सी क्यू सेकेंड टाइप होगा सब्जेक्टिव टाइप ठीक है सेकेंड होगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम की बात करें तो सभी में लगभग एम सी तो पूछे ही जाते हैं तो ये एक पार्ट है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग आते ही है किसी ना किसी स्टेज पे तो इस टाइप के क्वेश्चंस की क्या है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है तो इनकी क्या है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इनको प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ क्वेश्चंस की नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर्स ऑफ क्वेश्चन की तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं क्या बहुत हार्ड आते हैं या कैसे रहते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स रहते हैं तो नेचर ऑफ क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो जनरली हम देखें इस टॉपिक से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं तो मैं लिख सकता हूं बेसिक बेसिक फंडामेंटल को टारगेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन फंडामेंटल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और जनरली हम देखेंगे कि ये किसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे और हम इसका आंसर दे देंगे या फिर कोई एक फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे और हम इसका आंसर दे देंगे मतलब बहुत ही हैवी क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं बोल सकता हूं इसको ये एक वन लाइनर क्वेश्चन होगा ये एक वन लाइनर क्वेश्चन होगा जो कि एक कॉन्सेप्ट या एक फैक्ट पे बेस्ड होगा जो कि एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर या एक फैक्ट पर बेस्ड होगा ठीक है यदि इसमें बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ये एक थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे जाते हैं तो लेस न्यूमेरिकल्स तो हम इसमें लिख सकते हैं लेस न्यूमेरिकल्स लेस न्यूमेरिकल्स अब इससे हम देखते हैं कि क्या चीज़ बनती है नेचर ऑफ क्वेश्चन से कि जो फर्स्ट टाइप हमने बताया है या इस पर बात कर रहे हैं तो ये यदि आते हैं तो तुरंत बन जाएंगे यदि हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हम बहुत जल्दी कर ले जाएंगे और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल ओवरऑल इससे एक बात निकल के आती है कि हमें इसमें कम टाइम लगने वाला है तो यहां पे लिख सकते हैं लेस लेस टाइम कंज्यूमिंग ठीक है तो कम टाइम लगने वाला है तो ये चीज हम एक ध्यान रख के चलेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल में हमें यदि आता है तो हम बहुत जल्दी कर ले जाएंगे नेक्स्ट में बात करूं नेक्स्ट में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं नेचर ऑफ क्वेश्चन के बाद आएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है नंबर ऑफ़ तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं बोल सकता हूं एक गुड नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हो सकता है पूरे टेक्निकल एग्जाम के सात आठ परसेंट से लेके कुछ कुछ एग्जाम्स में ये बीस से पच्चीस परसेंट के आसपास भी जाता है तो आप देख रहे हैं ये रेंज सात आठ परसेंट से लेके बीस पच्चीस परसेंट तक तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हमेशा गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं अब मैं यहाँ पे एक रेशियो की बात करूं यहाँ पे मैं एक रेशियो की बात करूं कि नंबर यदि आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट अपॉन टाइम कंज्यूम ठीक है तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट अपॉन टाइम कंज्यूम्ड अपॉन टाइम कंज्यूम्ड तो हम पहले ही देख चुके हैं कि टाइम तो बहुत ही कम लग रहा है तो ये वाला रेशियो ये वाला रेशियो जो है बहुत ही हाई रहने वाला है दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में देखें बिल्डिंग मटेरियल के लिए तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए देखें तो तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज हमको यहाँ पे देखने में आई है जब हमने इन एस्पेक्ट्स को एनालाइज किया तो यदि मैं इसको ओवरऑल कंक्लूड कंक्लूड करके बोलूं इन सभी को मैं ओवरऑल कंक्लूड करके बोलूं तो मैं बोल सकता हूं तो मैं बोल सकता हूं क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है क्या कॉन्क्लूजन निकल के आ रहा है इनसे ये कॉन्क्लूजन निकल के आ रहा है कि सपोज हम कोई मैच क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं और ओपनिंग की बात करते हैं एक ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं यदि वो शुरुआत में ही आ, क्योंकि शुरुआत में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वहाँ पर रन बनाना इजी होते हैं और वहाँ पर बिना विकेट खोए फास्ट खेलते हुए काफी ज़्यादा रन बना दें तो एक चांसेस बढ़ जाते हैं कि ओवरऑल स्कोर जो है बहुत ज्यादा होगा जीतने की संभावना बढ़ जाएगी तो मैं बोल सकता हूं कि जो बिल्डिंग मटेरियल है बिल्डिंग मटेरियल है मेरा क्या है ओपनर है ठीक है मेरा क्या है ओपनर है ओपनर है, है. इससे क्या होता है भाई यदि ये फास्ट खेल जाए क्या खेल जाए फास्ट खेल जाए और अच्छा खेल जाए तो क्या होने वाला है मेरा स्कोर क्रिकेट में मेरे बहुत फास्ट जो इनिंग में खेल रहा हूँ या सेकंड इनिंग उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं एक बिग स्कोर कर लूँगा एक बहुत अच्छा फाउंडेशन मेरा बन जाएगा यदि मैं इसको एग्जाम से कोरिलेट करके बताऊँ यदि सौ क्वेश्चन में से आपके दस पंद्रह क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं तीन घंटे के एग्जाम में सपोज दस या पंद्रह मिनट में ही आपके दस पंद्रह क्वेश्चन सही बन जाते हैं तो कॉन्फिडेंट रहते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो आने वाला और क्वेश्चन है उसमें आपको एक क्या मिलेगा रिलैक्स मिलेगा और आप बाकी क्वेश्चन अच्छे कर पाओगे और आपका ओवरऑल सिलेक्शन यहाँ से बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाला है तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिल्डिंग मटेरियल ओवरऑल यदि हम स्ट्रेटेजी लेके रखें लेकर चलें तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमको देने वाला है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो ठीक है नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हम बात करें कई बार ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनका ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हम यहाँ पे ओवरऑल सिलेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे हम केवल बिल्डिंग मटेरियल को लेके नहीं चल रहे हैं जस्ट एक स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि हमें चीजों को कैसे पढ़ना चाहिए यदि अब हम एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं कोई किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो एक हल्के की बात करेंगे तो ओवरऑल 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 सिलेक्शन किस पर बेस्ड होता है उसकी बात करेंगे ओवरऑल सिलेक्शन हमने दो वर्ड बहुत ही फेमस है जिनको सुना है उनको मैं लिखता हूं यहां पे एक होता है हार्ड वर्क एक होता है हार्ड वर्क और दूसरा होता है स्मार्ट वर्क दूसरा होता है स्मार्ट वर्क अब इनको कैसे हमें देखना है किस तरीके से मैं इनको बोल रहा हूं ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं क्या दो अप्रोच अपनाता हूं पहला मैं क्या करता हूं मैं एक उस रास्ते से जाता हूं जिससे मैं रोज जाता था ठीक है हो सकता वहां पे भीड़ मिल जाए नहीं मिल जाए हो सकता ट्रैफिक मिल जाए और मैं देर हो जाऊँ दूसरा मैं स्मार्ट वर्क करूंगा मैं गूगल मैप चालू करूंगा गूगल मैप में शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ चूज करूंगा और वहां पे जल्दी पहुंच जाऊंगा ठीक है ना तो यही डिफरेंस होता है एक हार्ड वर्किंग और एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे हैं कंपटीशन एक बहुत ही ह्यूज लेवल पे है यदि हमें अपना ओवरऑल सिलेक्शन कराना है तो हमें अपना थिंकिंग को थोड़ा वन स्टेप आगे ले जाना होगा हमें थोड़ा अलग सोचना होगा कि हम उनसे आगे निकल पाए ये हार्ड वर्किंग होने से केवल नहीं होगा हमें स्मार्ट वर्कर होना पड़ेगा ये कैसे तो मैं बात करता हूँ एक कॉमन मिस्टेक से जो जनरली स्टूडेंट करते हैं सपोज एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है उसने एक बार एग्जाम दिया और फेल हो गया तो उसकी कॉमन मिस्टेक में बताऊंगा कॉमन मिस्टेक पे बात करेंगे हम जनरली ये चीज थिंकिंग में रहती है कि मैं सारा का सारा सिलेबस बहुत डिटेल में कवर कर लूं तो मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो हम जब तैयारी करते हैं हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके की थिंकिंग होती है कि भाई हम हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर करके जाएंगे तो बस यहीं से गड़बड़ी होना चालू शुरू हो जाती है एक तो जो सिलेबस सिलेबस होता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है यदि मैं सिलेबस की बात करूं सिलेबस की बात करूं तो क्या होता है ऑलरेडी ऑलरेडी क्या होता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है ऑलरेडी ऑलरेडी अन ठीक है ऑलरेडी क्या होता है बहुत ज्यादा होता है और हम क्या कर लेते हैं हम इसको हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन करने की सोच में टू अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट हंड्रेड परसेंट हम क्या करते हैं इसको और डीपली कवर करने की कोशिश करते हैं ठीक है हम क्या करते हैं हंड्रेड परसेंट अटेम्प्ट करने के चक्कर में वी कवर इट कवर इट डीपली तो क्या होता है हम शुरुआत तो करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स uh, से तो शुरुआत के जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे दो तीन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं और बाद में एक समय निकल जाता है और एक दो महीने बाद हमारा एग्ज़ाम होता है फिर क्या होता है हम बाकी के सब्जेक्ट जैसे तैसे कवर करते हैं एग्जाम दे के आते हैं और नहीं होता है। तो बस हमें यही गलती नहीं दोहराना है हमें क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे तो हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है करना क्या है हम देखते हैं तो हम डूज पे बात करेंगे डूज पे कि हमें क्या करना चाहिए हमारी अप्रोच क्या रहना चाहिए जिससे कि हम सिलेबस भी कवर कर लें और क्या हो हमारा टाइम भी बर्बाद ना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए हम सिलेबस से स्टिक रहेंगे ठीक है जितना भी सिलेबस है जितना भी गिवन सिलेबस है उसको क्या करेंगे उसके सारे बेसिक्स को कवर करेंगे हमें उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना केवल और केवल बेसिक्स पे जाना है तो क्या करेंगे वी कवर ऑल फंडामेंटल या बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस जिस भी एग्जाम का सिलेबस है उसका सारा फंडामेंटल हम क्या कर लेंगे कवर करेंगे ठीक है फिर एक हम क्या करेंगे प्रायोरिटी करेंगे प्रायरिटी हर एक टॉपिक की प्रायोरिटी सेट करेंगे तो हम देखते हैं प्रायोरिटी कैसे सेट करना है हम इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं पहला स्टेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट में बात करूं तो मैं इसमें लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को रख रहा हूं लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक और तीसरे की मैं बात करूं तो ये क्या होगा इग्नोर्ड टॉपिक ये क्या होगा इग्नोड टॉपिक्स होंगे ठीक है तो हर एक एग्जाम में हम देखेंगे कि कुछ पार्ट से क्वेश्चन आता ही नहीं है और कुछ पार्ट से बहुत ज्यादा आता है कुछ पार्ट से मॉडरेटली आता है तो जब हम क्या करेंगे पहले तो हम पूरा का पूरा सिलेबस क्या करेंगे कवर कर लेंगे कवर हो गया जब हम जब हमारा रिवीजन करने का टाइम होगा तो हम किस ऑर्डर में करेंगे हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे फिर उसके बाद सॉरी लेस टॉपिक को कवर करेंगे और सबसे बात इग्नोर्ड टॉपिक तो सबसे पहले क्या होगा सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे सेकंड बात करें तो उसके बाद हम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे सारे सब्जेक्ट के और उसके बाद इग्नोर्ड टॉपिक और जो इनका फ्रिक्वेंसी होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे तीन स्टार बनाए हैं इसका रिवीजन तीन टाइम होना, होना चाहिए इसका रिवीजन टू टाइम्स होना चाहिए इग्नोर्ड टॉपिक के कंपैरिजन में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतना पार्ट छोड़ के जाइए मैं बोल रहा हूँ इसको आप कम पढ़िए ठीक है तो जिससे क्या होगा जो टॉपिक्स ज्यादा आते हैं आप उसको ज्यादा बार रिवीजन करके गए होंगे तो यहाँ पे आपके उनके सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपका कवरेज उस टॉपिक में ज्यादा होगा जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो आप वहां पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं एग्जाम के समय ठीक है ना तो ये एक स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से आपको अपनानी चाहिए तो हम बात करेंगे कॉमन सिलेबस पे जो इन सभी एग्जाम्स को कवर कर रहा है तो हम उन सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं एक कॉमन सिलेबस देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल का एक कॉमन सिलेबस देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल का कॉमन सिलेबस क्या क्या टॉपिक्स जो हैं इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और उनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है यदि इस सब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलरली बात करूं तो इसमें आता है फर्स्टली में बोलूंगा ब्रिक्स ब्रिक्स सेकेंड टॉपिक आता है स्टोन्स सेकेंड टॉपिक स्टोन्स थर्ड की मैं बात करूं तो मैं टिम्बर लिख सकता हूं थर्ड की बात करूं मैं तो टिम्बर लिख सकता हूं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं जो कि है जो कि है सीमेंट 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 एक एडवांस मटेरियल है जिसका आ, सौ, लगभग 200 सालों के आसपास 150 200 सालों के आसपास ही इसका क्या हुआ है आ, उस डेढ़ 150 200 सालों से ही क्या हुआ यूज में आया है और इससे कई डिफरेंट तरीके के स्ट्रेंथी सुपीरियर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए तो ये सीमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट में बात करूँ कॉन्क्रीट तो सीमेंट को बेस करके सीमेंट को बेस करके कंक्रीट बनाया जाता है लास्टली मैं बोलूं, लास्टली मैं बोलूं, तो कुछ Uh, दूसरे मटेरियल्स हैं लाइक फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स, फेरस एंड नॉन फेरस नॉन फेरस मटेरियल्स। इसमें हम क्या कवर करेंगे इसमें हम देखेंगे लाइक like, कुछ प्लास्टिक्स हो सकता है पीवीसी हो सकता है और, और भी कुछ कुछ दूसरे मटेरियल्स लाइक like, टूमिन हो सकता है ठीक है इस तरीके के मटेरियल्स हम इसमें कवर करेंगे अब इनके रिलेटिव इम्पोर्टेंस की बात करूं, रिलेटिव इम्पोर्टेंस की बात करूं, तो ब्रिक स्टोन्स और टिम्बर इसको मैं बोल सकता हूं, ये मीड ये मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट हैं तो इसको मैं बोल सकता हूं, मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक यदि मैं सीमेंट और कंक्रीट की बात करूं सीमेंट और कंक्रीट की तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हमें कवर करना ही चाहिए और ये वाला पार्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट लीस्ट इम्पोर्टेंट है तो हम प्रायोरिटी के बेसिस पे यदि हम देखेंगे तो हर एक एग्जाम में सीमेंट और कंक्रीट से क्वेश्चंस भरे हुए होते हैं यदि हम बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें इस सब्जेक्ट की बात करें तो हमें इसको तो बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए और ब्रिक्स स्टोन और टिम्बर को भी हम कवर कर सकते हैं यदि मैं सीमेंट पर्टिकुलरली की बात करूं तो इसमें लाइम भी आता है और मोर्टार भी आता है तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये कवर करता है लाइम प्लस मोर्टार को भी इसमें हम लिख सकते हैं या इस हेड में हम बात कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे हम चालू करेंगे ब्रिक्स से उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे चालू करेंगे ब्रिक्स से तो मैं हेडिंग दे देता हूं इंट्रोडक्शन टू ब्रिक्स तो मैं हेडिंग दे देता हूं इंट्रो टू ब्रिक्स यदि हम नियर पास्ट की बात करें नियर पास्ट की बात करें तो हमें ये पता है हमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जो स्टोन से बने होते हैं पर अभी देखें रिलेवेंस ऑफ स्टोन तो बहुत ज्यादा कम हो गया है उसके कुछ कुछ कारण हैं जैसे जैसे टाइम बदलता है और सो uh, सोशल so, ज़रूरतें बदलती हैं उस हिसाब से ही जो सूटेबल मटेरियल होता है उसको हमें यूज़ करना होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज अभी हम जिस कंडीशन में हैं वहाँ पर लैंडलाइन भी अवेलेबल है उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है हमारे पास स्मार्टफोन भी है पर हम क्या पर क्या हम लैंडलाइन यूज़ करते हैं बिल्कुल नहीं हम स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं ये आज की ज़रूरत है पर क्या लैंडलाइन अवेलेबल अभी भी है ठीक है तो इसी तरीके से स्टोन का यूज भी अब क्या होता जा रहा है? होता जा जा रहा रहा है है वो और उसका कुछ ही एक दो स्ट्रक्चर्स में रिलेवेंस दिखता है और ब्रिक uh, का जो रिलेवेंस है अब बहुत ज्यादा होता जा रहा है तो हम पहले ब्रिक की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं फिर उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे ये क्या कर रहा है आज इतना इम्पोर्टेंस रखता है तो मैं बात करता हूँ डेफिनेशन ब्रिक की तो मैं बोलूँ यदि इसको बनाया जाए तो क्ले से बनाया जाता है क्ले क्ले पे प्रोसेसिंग की जाती है ठीक है उसका एक मिक्सर तैयार किया जाता है फिर इसको बर्न किया जाता है तो लास्टली एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमको एक क्या ब्लॉक मिल जाता है जिसको हम ब्रिक बोलते हैं तो मैं लिख सकता हूं ब्रिक क्या है ब्रिक है एक ब्रिक है एक एक आ बेक्ड अ बेक्ड क्ले ब्लॉक क्या है बेक्ड क्ले ब्लॉक है क्ले ब्लॉक है जो एक यूनिट है तो मैं इसको लिख सकता हूं आप बेग्ड क्ले ब्लॉक यूनिट है जिसको क्या कर सकते हैं जिसके हेल्प से जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जिसके बार बार रिपीटिशन से हम क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैन बी बिल्ड can बी built ठीक है तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई क्या है, ये? ये है एक 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 ये है ऐसा ब्लॉक है जिसको हम क्या कर सकते हैं जिसका हेल्प से हम क्या कर सकते हैं रिपीटेशन से हम एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं यदि एग्जांपल देखें तो किस टाइप के स्ट्रक्चर में ये यूज होता है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वॉल का इससे वॉल बनाई जा सकती है ठीक है और, और भी कई स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं ठीक है ना अब बात करें इसकी उन प्रॉपर्टीज की जिसके कारण ये इतना ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स प्रॉपर टीज ऑफ ब्रिक तो आज के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या रिलेवेंस है उसको देखेंगे यदि हम बात करें तो आजकल जनरली फ्रेमड स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है कॉलम रहेंगे और उनके बीच के जो स्पेस को है हमें फिल करना होगा और हम एक क्या कर पाएंगे स्पेस क्रिएट कर पाएंगे एक रूम क्रिएट कर पाएंगे ठीक है तो इसमें यदि हम यहाँ पे स्टोन यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा लोड होगा तो हम बोल सकते हैं कि इसकी पहली प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इतना पॉपुलर है ये है ये लाइट इन वेट है इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है लाइट इन वेट है बोल सकते हैं लाइट इन लाइट इन वेट है बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है इसकी भाई ये यदि हम कंपेरिजन करें स्टोन से तो स्टोन को भी क्वेरिंग करना पड़ता है वहां से फिर ड्रेसिंग होता है लाते हैं हैवी होता है वो हैवी होने के कारण उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी होता है जबकि यदि हम बात करें ब्रिक की तो इसको कहीं पे भी बनाया जा सकता है इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बहुत ज्यादा नहीं है तो ये क्या है ये एक चीप मटेरियल है ठीक है ये क्या है एक चीप मटेरियल है अब यदि बात करें अब यदि बात करें कि कैसे ये सुपीरियर हो जाता है कैसे ये सुपीरियरली बिहेव करता है एक स्ट्रक्चर में यदि सपोज हम एक कंडीशन ले रहे हैं किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो आग लग जाने के कारण जिस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा तो वही सुपीरियर मटेरियल कहलाएगा ठीक है तो स्टोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्वेल्व हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पर ब्रिक का 1200, 1300 तक चला जाता है तो इसका रेजिस्टेंस है अगेंस्ट फायर तो हम यहां लिख सकते हैं इसका इसका रेजिस्टेंस है अगेंस्ट फायर तो ये हमको एक प्रोटेक्शन देता है हम यहां पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट अगेंस्ट फायर अगेंस्ट फायर इसमें ये क्या है सुपीरियर है नेक्स्ट बात करें हम और यदि हम कंपैरिजन करते हैं स्टोन से जो स्पेस क्रिएट हो रहा है स्पेस को स्टोन से घेर देते हैं और एट द सेम टाइम हम दूसरी जगह से घेर देते हैं तो जो इंसुलेशन ऑफ हीट और साउंड है वो हमको ब्रिक के केस में ज्यादा देखने को मिल रहा है यदि हम ब्रिक लगाते हैं तो क्या होगा बाहर का हीट अंदर नहीं आ पाएगा और हम एक एक्सट्रीम कंडीशन में क्या रहेंगे सेफ रहेंगे तो ये क्या करता है ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है सेफ्टी अगेंस्ट बेटर सेफ्टी अगेंस्ट बेटर बेटर सेफ्टी अगेंस्ट सेफ्टी अगेंस्ट अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड हॉट एंड समर और विंटर में क्या करता है हमें ज्यादा ज़्यादा फिजिबिलिटी रहती है ज़्यादा क्या करता है सेफ्टी प्रोवाइड करता है अब एक चीज में और बात बोले कि स्टोन जो है बहुत ही हैवी रहता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है तो यदि एक लेबर वर्क कर रहा है स्टोन के साथ तो एक डिफिकल्ट टास्क है पर वहीं पे यदि हम एक ब्रिक के ब्लॉक की बात करें तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ब्रिक होता है वो पोर्टेबल होता है ब्रिक जो होता है वो क्या होता है पोर्टेबल भी होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण इसको यूज किया जाता है ठीक है ना तो आज अभी हमने क्या देखा इसकी प्रॉपर्टीज देखी जिस जिसमें ये सुपीरियर है स्टोन से और जिस कारण से ये आज एज अ पॉपुलर है एज अ बिल्डिंग मटेरियल ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है रॉ कंपोजिशन ऑफ ब्रिक या केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपो Of brick. इसमें हम इसके इसकेमिकल एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड से मिलके बना है और उनका फंक्शन क्या है उसके बारे में एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहले हम मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मैं कंपाउंड लूँगा कंपाउंड लूँगा जिसके हम यहाँ पे अक्रेंस की बात करेंगे परसेंटेज अक्रेंस की बात करेंगे किस परसेंटेज में मिलता है वो किस परसेंटेज में अवेलेबल है वो और लास्टली बात करेंगे उसके फंक्शन की बात करेंगे कि क्या उसका काम है ब्रिक में और एट लास्ट वो क्या प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करता है तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे सिलिका सबसे पहले लेंगे सिलिका तो सिलिका क्या है भाई सिलिका जैसे हम क्रिकेट की बात करें और मैं बात करता हूं सचिन तेंदुलकर की तो क्या करता है वो वो क्या करता है है एंकर कर जाता पूरा का पूरा हंड्रेड बनाता है, इनिंग अप करता है तो एक स्ट्रेंथ देता है इनिंग को एक स्ट्रेंथ देता है पूरे टीम की बैटिंग को और क्या करता है बहुत लंबे समय तक खींचता है तो सेम इसी तरीके से सिलिका भी क्या करता है ब्रिक में काम करता है वो क्या करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसकी लाइफ को क्या करता है ड्यूरेबल करता है इसकी लाइफ बढ़ा देता है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें बाद में याद करने में दिक्कत ना हो हम कोरिलेट कर पाए और इजीली हमको ये याद रहे तो मैं नाम भी लिख देता हूँ ये क्या है सिलिका है सचिन तेंदुलकर है सिलिका सचिन तेंदुलकर है ब्रिक का यदि इसके परसेंटेज की बात करें इसके परसेंटेज की बात करें तो ये फिफ्टी से सिक्सटी परसेंटेज के बीच इसमें मिलता है या इतना इसमें मिलाना होता है इसका फंक्शन की बात करें तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं इसका पहला फंक्शन होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिटेन इट्स शेप तो क्या है टू प्रोवाइड प्रोवाइड एंड एंड रिटेन एंड रिटेन इट्स शेप तो ये क्या करता है शेप को भी बना के रखता है और ओवरऑल स्ट्रेंथ भी देता है ब्रिक को अब क्या हो क्या हो कि यदि ये ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो तो यदि बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है सचिन को तो आपने देखा हो क्या कि वो नर्वस नाइंटीज पे आउट हो जाता है ठीक है तो ऐसा इसमें भी होता है यदि इसको बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में दे दिया जाए तो क्या हो जाता है ये ब्रिटल हो जाता है इसमें क्रैक पड़ जाते हैं तो मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा यदि एक्सेस में है एक्सेस में है तो क्या हो जाता है इट बिकम्स ब्रिटल तो ये ब्रिटल हो जाता है ब्रिटल नेचर का हो जाता है और क्या हो जाता है इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं ठीक है तो क्रैक्स पड़ जाते हैं इसमें और ये यूज करने लायक नहीं रह जाता है मतलब यदि ज्यादा प्रेशराइज कर दिया आपने किसी प्लेयर को और उसी प्रेशर के चक्कर में आउट हो जाता है तो क्या हो जाता है हमारा एक विकेट चला जाता है नेक्स्ट में नेक्स्ट कंपाउंड की बात करूं तो नेक्स्ट है एल्यूमिना नेक्स्ट है एल्यूमिना तो हमने देखा है एक प्लेयर अनिल कुंबले ठीक है अनिल कुंबले से इसको देखेंगे वो क्या करता है जब बहुत ज्यादा प्रेशर सिचुएशन आती है बॉलिंग के केस में तो क्या करता है प्रेशर एब्जॉर्व करता है और कुछ मेडिन ओवर निकालता है ठीक है ना कुछ मेडिन ओवर निकालता है कुछ विकेट निकालता है जिससे क्या होता है कंडीशन फिर से नॉर्मल हो जाती है तो वैसे ही कुछ इसका भी काम है ये क्या करता है जब बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल करा दिया जाता है तो उसको एब्जॉर्व करता है उसको एब्जॉर्व करता है और क्या करता है जो वांटेड या रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है एक रॉक मास की वो हमें प्रोवाइड करता है प्लास्टिक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है तो एल्यूमिनम ये काम करता है तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं कि क्या भैया जैसे अनिल कुंबले क्या करता है प्रेशर को अब्जॉर्व करता है वैसे ही ये भी इसका काम है यदि इसके परसेंटेज की बात की जाए कि ये कितने परसेंटेज में रहता है तो ये ट्वेंटी से थर्टी परसेंटेज के बीच इसका अकरेंस रहता है ठीक है और बात की जाए तो इसका फंक्शन क्या है इट एब्जॉर्व वाटर एंड गिव द प्लास्टिक कंसिस्टेंसी टू क्लेमास तो लिख सकते हैं इट एब्जॉर्ब प्रेश्स इट एब्सॉर्ब्स वाटर वाटर को ऑब्सॉर्व करता है एंड क्या करता है गिव्स गिव्स प्लास्टिक कंसिस्टेंसी प्लास्टिक कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी टू क्लेमा तो क्लेमा को क्या करेगा भाई प्लास्टिक कंसिस्टेंसी देगा अब इसको हम ले जाके क्या कर सकते हैं मोल्ड में यूज कर सकते हैं जिस भी शेप में हम इसको ढालना चाहें मोल्ड करना चाहें हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं क्या होगा भाई यदि एक्सेस में होगा यदि एक्सेस में हो किसी भी प्रेशर को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो क्या होता है उसका बिहेवियर बदल जाता है उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है तो ये क्या कर जाएगा इसमें भी क्या क्रैक पड़ जाएंगे और वार्पिंग वार्प आ जाएगा तो मैं लिख सकता हूं इफ अवेलेबल इन एक्सेस तो क्या होगा इट वार्प एंड इट शोज 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 वार वार्पिंग एंड क्रैक्स आर फॉर्मड ठीक है तो वार्पिंग शो करता है और क्या होता है क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं क्रैक्स आर फॉर्म्ड ठीक है ना तो जरूरत से ज्यादा ये भी रिक्वायर्ड नहीं है इस लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइम की थर्ड हमारा केमिकल कंपोजिशन का कंपाउंड है लाइम है तो हम यहां इसको सेपरेट कर देते हैं थोड़ा तो थर्ड हमारा थर्ड हमारा कंपोजिशन है वो लाइम है ठीक है तो हमने एक प्लेयर को देखा है वीवीएस लक्ष्मण ठीक है वो क्या करता है मिडिल ऑर्डर में आता है और ऊपर जैसी भी कंडीशन मिलती है उसको सपोर्ट करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाता है और जितना बेटर कर सकता है वो करता है वैसे ही लाइम का काम है वो क्या करता है सिलिका को हाई टेम्परेचर पे फ्यूज करने में हेल्प करता है और उसका क्या करता है फ्यूजन टेम्परेचर कम कर देता है जिससे वो इजीली क्या हो जाता है फ्यूज हो जाता है

ये वैसे ही लाइम का काम है यहाँ पे वो क्या करता है सिलिका के बर्निंग के टाइम पे उसको बर्न करने में हेल्प करता है ठीक है और कुछ इस तरीके की कंडीशन वहां पे क्रिएट कर देता है जिससे ओवरऑल फ्यूजन पॉइंट थोड़ा कम आ जाता है और इजीली वो मेल्ट हो जाता है तो यदि मैं लाइम को बोलूं तो इसको वीवीएस लक्ष्मण के साथ कोरिलेट करके हम याद रख सकते हैं वीवीएस वीवीएस लक्ष्मण के साथ याद रख सकते हैं लक्ष्मण एल से शुरू होता है ठीक है तो इसका यदि परसेंटेज की बात करूं कि कितना होता है इसका परसेंटेज लेस देन टेन परसेंट होता है दस परसेंट से कम अवेलेबिलिटी होती है इसकी यदि इसके फंक्शन की बात करें तो क्या है फंक्शन इसका ये क्या करता है इट हेल्प्स इन बर्निंग सिलिका तो क्या करता है भाई हेल्प हेल्प इन बर्निंग बर्निंग सिलीका और एक और काम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है रिड्यूसिस द फ्यूजन पॉइंट फ्यूजन पॉइंट को रिड्यूस कर देता है जिसे कम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाता है मेल्ट हो जाता है तो क्या करता है रिड्यूसेज द रिड्यूसेज द फ्यूजन पॉइंट फ्यूजन पॉइंट ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन की नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन की यदि ऑक्साइड्स ऑफ आयरन क्या है हार्दिक पांड्या है इसको सब काम करने इसको बैटिंग भी करना है बॉलिंग भी करना है फील्डिंग भी करना है पर ऐसा नहीं कि हर एक में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन सब जगह देना है तो ये क्या है भाई हार्दिक पांड्या है इसको मैं लिखूंगा फोर्थ जो केमिकल कंपाउंड है वो है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन यदि इसके परसेंटेज की बात करूं पहले इसका नाम लिख लेता हूं जिस प्लेयर के नाम से हम इसको याद करने वाले हैं ये है हार्दिक हार्दिक पांड्या है हार्दिक पांड्या है ठीक है अब मैं बात करूं कि कितने परसेंटेज में रहने वाला है ये इसका परसेंटेज सात परसेंटेज से कम होगा तो लेस सेवन परसेंटेज ये रहने वाला है ठीक है ना लेस देन सेवन परसेंटेज अब इसके फंक्शन की बात करें जो कि काफी इंटरेस्टिंग है इसके फंक्शन की बात करें तो हम बोल सकते हैं इसका फंक्शन इसका फंक्शन है फेरस जो मैट uh, आयन है वो क्या करता है रेड कलर देता है तो एक तो ये रेड कलर देगा ब्रिक को एक काम हो गया क्योंकि ये फेरस मेटल का बना हुआ है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है तो ये क्या करेगा ये क्या करेगा स्ट्रेंथ भी देगा और हार्डनेस देगा तो दूसरा फंक्शन हो गया थर्ड ये बात करेगा कि इस तरीके से मिल जाता है पोर्स में और पोर्स को कम करने का काम करता है तो ये क्या करेगा ये इम्पर्मिबिलिटी भी देगा और ड्यूरेबिलिटी भी देगा तो तीन फंक्शन हो जाते हैं इसके पर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं करता थोड़ा थोड़ा हेल्प सपोर्ट करता केमिकल कंपाउंड हमने देखे थे जैसे सिलिका सिलिका का हेल्प करेगा इन सब में तो मैं बोल सकता हूँ क्या करेगा भाई ये इम्पार्ट रेड कलर तो ये लाल कलर इसी के कारण होता है इम्पार्ट्स इम्पार्ट रेड कलर लाल रंग देता है ये इमपार्ट रेड कलर दूसरे फंक्शन की बात करें तो क्या होगा भाई दूसरा फंक्शन है स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा तो लिख सकते हैं प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एंड हार्डनेस ठीक है तो यहां पर दूसरा फंक्शन भी कंप्लीट हो गया थर्ड बात करें तो ये क्या ड्यूरेबिलिटी देगा और इम्परमिएबिलिटी बढ़ाएगा तो लिखेंगे इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, इम्परमीएबिलिटी एम परमीएबिलिटी एंड इम्परमिबिलिटी बढ़ाएगा और क्या करेगा ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा देगा तो यहां पे इसके सारे फंक्शन जो है कंप्लीट होते हैं ठीक नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हम बात करें तो जो नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड है वो है मैग्नीशिया नेक्स्ट है मैग्नीशिया ये क्या है माही जैसा है महेंद्र सिंह धोनी जैसा है जो लास्ट के एक दो ओवर में आएगा लास्ट के एक दो ओवर में आएगा और क्या करेगा बहुत हार्ड uh, हिटिंग करेगा six six लगा देगा ठीक है ना नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो ये है मैग्नीशिया नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो ये है मैग्नीशिया। तो, तो इसका काम बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी जैसा है माही जैसा है कैसे ये क्या करता है जैसे महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी के एक दो ओवर मिलते हैं और स्कोर कम है तो क्या कर देता है ये सब राइट फाइट कर देता है स्कोर थोड़ा लेवल कर देता है वैसे ही ये क्या करता है वार्पिंग को कम कर देता है यदि किसी कारण से वार्पिंग आ जा रही है तो वार्पिंग को क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा ये बहुत ही कम परसेंटेज में मिलता है लेकिन तो इसको मैं लिख सकता हूं ये है भाई हमारा महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी है ये हमारा ठीक है यदि इसके परसेंटेज पे बात करूं तो कितना परसेंटेज होता है इसका परसेंटेज लेस देन परसेंट होता है लेस देन का होता है इसका यदि इसके फंक्शन पे बात करें फंक्शन क्या क्या है इसका फंक्शन है रिड्यूस करता है ये वार्पिंग को रिड्यूस करता है तो लिख सकते हैं रिड्यूसेस रिड्यूसेस वार्पिंग रिड्यूसेस वार्पिंग तो वार्पिंग कब आती है भाई जब ब्रिक को बर्न कर दिया जाता है और ठंडा करते हैं हम और यदि ठंडा हम जल्दी कर दें तो क्या हो जाएगा जल्दी कर दें तो इसमें वार्पिंग आ जाएगी वार्पिंग क्रैक्स आ सकते हैं या ये मुड़ सकता है तो ये क्या करता है इसके रेट को स्लो कर देता है वार्पिंग के रेट को स्लो कर देता है और क्या करता है रिड्यूस करता है वार्फिंग का बार्फिंग का इफेक्ट ठीक है ना तो इस तरीके से हमने लग हमने सारे केमिकल कंपाउंड को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अब इसको याद कैसे रखेंगे तो उसका भी एक तरीका है इसको याद कैसे रखा जाए ठीक है उसका भी क्या है एक तरीका है तो एक सेंटेंस दूंगा मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा मैं आपको जिसको यदि आप याद कर लेते हैं तो आप इजीली याद रख पाएंगे कि किस किस ऑर्डर में हमको मिल रहे हैं और इनका फंक्शन तो मैंने क्या कर, बता दिया आपको इन नाम से मैंने आपको याद रखने का एक कोरिलेशन बता ही दिया तो मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं सचिन और आ, सचिन और लक्ष्मण क्या है तो अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया है हमें इसको याद रखने का भी एक तरीका देखना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं जो जिसके वर्ड इसके फर्स्ट अल्फाबेट से चालू होंगे तो सेंटेंस है सेंटेंस है कि भाई सचिन तेंदुलकर अनिल कुंबले लेबोरियस और मार्वलस हैं ठीक है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूं सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर अनिल कुंबले अनिल कुंबले लेबोरियस एल ए ियस और क्या है मार्वलस है ठीक है ना और क्या है और क्या है मार्वलस है तो अब हम इसका क्या करेंगे पहला अल्फाबेट से देखेंगे एस ए एल ओ से आ जाएगा ओ और मार्वलस का क्या हो जाएगा एम तो यदि इस सेंटेंस को हम याद कर लेते हैं तो इनका सीक्वेंस भी हम क्या कर पाएंगे इजीली याद रख पाएंगे ठीक है अब हम देखें कि इसका सीक्वेंस कैसे याद रखना है एक के बाद जो परसेंटेज है इसके बेसिस पे तो इसका भी एक ट्रिक है जिसके लिए मैं एक सेंटेंस दूंगा और उसका जो हर एक शब्द का फर्स्ट अल्फाबेट आएगा उसको हम इन कंपाउंड से कोरिलेट कर सकते हैं तो मैं सेंटेंस लिखता हूं सेंटेंस लिखता हूं सेंटेंस है सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर अनिल कुंबले सचिन तेंदुलकर अनिल कुंबले क्या है बहुत ज्यादा काम करते हैं तो क्या है बहुत ज्यादा काम करते हैं तो लेबोरियस हैं, लेबोरियस हैं और क्या है भाई मार्वलस है क्या है मार्वलस ठीक है ठीके? अब इसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट वर्ड को निकालते हैं सचिन से आ जाएगा एस अनिल का आ जाएगा ए लेबोरियस का एल आ जाएगा और का ओ आ, आ जाएगा और मार्वलस का एम आ जाएगा और यही है एस ए सिलिका का एस एल्यूमिन का ए लाइम का एल ऑक्साइड का ओ और मैग्नीशिया का आयरन तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इस सेंटेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं इसको याद रख सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया सचिन तेंदुलकर अनिल कुंबले लेवोरियस और मार्वलस हैं यदि हमें इसको और एक्यूरेट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं हम इसमें सचिन तेंदुलकर की जगह है? केवल सचिन लिख देते हैं ठीक है बोलते समय हम इसका यूज करेंगे वैसे ही अनिल कुंबले के समय केवल अनिल बोलेंगे और है को भी हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा सचिन तेंदुलकर अनिल कुंबले, लेबोरियस और मार्वलस है इसको बोलते समय याद रखना लिखते समय ऐसा लिख सकते हैं तो इस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स टेबल को एक जो फ्रैक्शन फ्रैक्शनल वाइज जो रैंक आ रही है उस तरह याद भी रख सकते हैं नेक्स्ट हम नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसी के ऊपर तो हम कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड आउट करूंगा पहला क्वेश्चन है सिल्ट एंड क्ले कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट यहाँ पे देखा जाए तो बोला जा रहा है सिल्ट और क्ले कंटेंट को यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन को डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है कि सिलिका पर यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो क्ले का कंपोजिशन होता है मेनली सिलिका का हो रहा है और सिल्ट का कंपोजिशन भी मेनली सिलिका का है तो यहाँ पे हमें सिलिका के बारे में पूछा जा रहा है तो पढ़ते हैं कंपोजिशन 50 परसेंट फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट हमें पता है यदि एक गुड ब्रिक बनाना है तो सिलिका का कंटेंट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट के आसपास होना चाहिए सिलिका अवेलेबल होना चाहिए फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंटेज के रेंज में और यहाँ पे बात की जाए तो सबसे रिलेवेंट जो ऑप्शन दिख रहा है वो फिफ्टी परसेंट है जो इसके लोअर लिमिट को लेते हुए चल रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूं तो होगा फिफ्टी परसेंट तो देखिए कितना इजी था ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आते जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसी को बेस करके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड आउट करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक तो यहाँ पे अब एक्सेस के बारे में पूछा जा रहा है यदि एल्यूमिना का हो हम वन बाई वन क्या करेंगे ऑप्शन रीड करेंगे फिर देखते हैं कि कौन सा आंसर ज्यादा रिलेवेंट है तो फर्स्ट इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि इम्परमिएबल हो जाता है तो एल्यूमिना का इम्परमिबिलिटी से कुछ भी सेंस नहीं है हमें पता है एल्यूमिना क्या करता है वाटर एब्जॉर्व करता है और एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट में देखें क्या तो ब्रिटल एंड बीक ब्रिटल ऑफ बीक ये होता है सिलिका के केस में यदि सिलिका एक्सिस में हो यदि सिलिका एक्सिस में होता है तब ये कंडीशन बनता है ना कि ये एल्यूमिना के कि इसमें होता है तो ये ऑप्शन भी नहीं रहा टू लूज कोहेजन तो इसका कोहेजन से कुछ लेना देना नहीं होता है यदि हम देखें फोर्थ जो ऑप्शन दिया है टू क्रैक ऑन ड्राइंग तो यदि इसमें ज्यादा एल्यूमिनिया रहता है तो ये क्या करता है ज्यादा वाटर अब्जॉर्व कर लेता है और जब ड्राई होते समय एक ब्रिक को क्ले मास को ड्राई करते हैं तो क्या करता क्या हो जाता है उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं तो ये क्या करता है क्रैक प्रोड्यूस करता है ड्राई होने पे क्ले मार्स के तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी जो है एकदम सही ऑप्शन है इसमें डी ऑप्शन क्या होगा आंसर होगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें पूछा गया है इसमें पूछा गया है सिलिका इंपार्ट टू द ब्रिक्स ठीक है तो सिलिका क्या करता है हार्डनेस क्या हार्डनेस प्रोवाइड करता है नहीं स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी तो यस हमें पता है कि ये क्या करता है इसका शेप रिटेन करता है इसको स्ट्रेंथ देता है और इसकी लाइफ क्या है बढ़ा देता है तो इसका ऑप्शन सही जो होगा बी होगा हम एक बार सी इसको होल्ड पर रखे सी और डी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन जो हैं सही होते हैं उसमें से एक पार्शियली सही होता है और एक क्वेश्चन जो है पूरी रियालिटी तो हमें कभी भी ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहिए कम से कम एक बार पूरे ऑप्शन पढ़ना चाहिए यदि हमें पता भी लग जाए कि एक ऑप्शन सही है तो थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे रिड्यूस वार्पिंग वार्पिंग तो इसका वार्पिंग से लेना देना कुछ नहीं है मैग्नीशिया मैग्नीशिया वार्पिंग रिड्यूस करता है लास्टली डी नन ऑफ दीज तो नहीं यहां पे बी एक ऑप्शन है जो क्या कर रहा है ब्रिक का फंक्शन हमें बता रहा है और यही क्या होगा आंसर होगा तो इस तरीके से हमने देखा कि कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स से काफी क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते इजी होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम इनको इजीली डील कर सकते हैं और ये एक बहुत इजी टॉपिक है तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं थैंक यू